जंगलात और माहौलियात के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि राम राव बापू महाराज ने कबाइल के इत्तेहाद के लिए अथक मेहनत की और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर ने कहा कि हफ्ते को कनवन तालुका की दयाल दानवर गांव में मशहूर रूहानी गुरु राम राव बापू महाराज के मुजस्मे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रूहानी पेशवा की हैसियत से मजहब के तहफ्फुज बंजरों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी खिदमत अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे के हर फर्द को तालीम याफ्ता और नज्म व ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए और इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। रामराज महाराज अपने साथियों को, अपने समाज को बहुत बड़ा सेवा करे, कई लोगों को आदर्श लेके अपने आगे चलाए। आज ऐसा ये गांव में हम सोच भी नहीं सके थे, अरे पूरा इनाग्रेशन करने को आप आना बोल के आप बताए और इस फंक्शन में जो हाजिर हुआ हमारे जो रामराज महाराज सोचते थे सब लोग अच्छे रहना, अच्छे जीना, पीने का पानी उन लोगों को मिलना, बिजली मिलना, अच्छे तरीके कपड़ा मिलना, खाने को मिलना, वो सोचो अभी पब्लिक में आना चाहिए। क्यों तेलंगाना में दे रहे, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे सकते, क्या करे लीडर का मुख्य हमारा पूछना चाहिए। स्वास्थ्य कभी भी इलेक्शन आने दो, अपन जागृति से रहना, जब भी जो पॉलिटिकल लीडर सुनते नहीं तो नहीं सुनते उन्हों। अभी हम बोल रहे हैं आप लोगों को जो जिला परिषद इलेक्शन आने वाले आगे में एक महीने बाद था, दो महीने बाद था, हम जरूर हमारे बीआरएस पार्टी से महाराष्ट्र में जितने सीट होने दो जिला परिषद सीटों को खड़े करेंगे। वो इसमें सामने भी नहीं करा वाले सीएम साहब बोल दिए, वहाँ महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्टों में अभी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करे, अभी एरिया के डीपीडीसी को अपॉइंट करेंगे, जब एमएलए इलेक्शन एमपी इलेक्शन है जब भी कांटेस्ट करेंगे, हम पब्लिक को जागृत करके जो तेलंगाना में जो सुविधा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में देंगे, मुझे बताएंगे।